एक ना कुछ नाम थे थोड़े, ये और इमानी मिल गया मेरे को छेड़ती रंदा और से, और वो हम दीदी के सामने नहीं बोल सकते थे, आशा भाई दीदी के सामने, हाँ ये दीदी बोल बोल के चढ़ाते थे, और वो नाम हम बोल नहीं सकते थे आशा भाई दीदी के सामने, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था, उनके सामने थे हम सारे शरीफ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोर अदर स्टोरी टाइम। तो यार क्या हाल चाल है? हाँ क्या हाल है, कैसे सब लोग, होप करते हैं ठीक होंगे अपने अपनी जगह पे। यार लास्ट टाइम भी हमने शूट किया था तो कुछ एरर आ गए, तो उसमें तो उस वजह से दोबारा शूट कर रहे हैं हम लोग। चेक भी नहीं कर रहा था कि वीडियो से बंदी हमारी नहीं चल रही, बात आ रही है नहीं आ रही, और आज हम दोबारा शूट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज वो दिक्कत ना आए दोबारा से। तो आज शूट करने जा रहा है फिर से अपना वही स्टोरी टाइम, वही चीज़ें, अपनी सारी मेमोरी शेयर करेंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम इस स्टोरी टाइम की शुरुआत करते हैं कि हम दोनों मिले कैसे थे, हम कहाँ से मिले, कब पहली बार मिले। ओपीएस स्कूल में 10th क्लास में। हाँ 10th क्लास में मिले। उससे पहले मतलब इसको मैं जानता था बट इतना नहीं जानता था कि हाँ अभी जैसे भाईचारा है ना, उस टाइम ये था कि रैंडम घूमते फिरते दिख गए कि स्कूल में देखा है कि हाँ कोई बंदा एग्जिस्ट करता है ये भी। तो फिर उसके बाद हम लोगों का एक अलग से सेक्शन बना था, ई सेक्शन, ए बी सी डी सेक्शन अलग से थी, सी सेक्शन तक थे, सी के बाद उन्होंने सीधा ई सेक्शन निकाला था। वो बना था हैवी ड्राइवरों के लिए। हम लोग आपके हैवी ड्राइवर में थे। तो अपना यार फिर इससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई और उन्हें शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे और किसी को जानता नहीं था उस क्लास में, उस सेक्शन में, क्योंकि उस टाइम थोड़े बच्चे आए थे, क्योंकि वैसे तो जो और बालक थे वो आते नहीं थे अपना स्कूल में। हम दोनों पढ़ने वाले थे, हम जाते थे रोज स्कूल। तो अपना जाके फिर इससे मिले, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, बातचीत करी बैठ कर। तो ऐसे करके थोड़ी बहुत बातचीत होती रही, बातचीत होती रही, फिर जाके अपनी यारी दोस्ती होती। फिर हमने एक दूसरे के साथ जाना शुरू कर दिया, मतलब छुट्टी टाइम ये मेरे को छोड़ने जा रहा है, फिर सुबह मॉर्निंग में नहीं छुट्टी टाइम ये भाई चल घर बच जाते थे पैदल पैदल, फिर मैं उसको स्पेशल छुट्टी होने के बाद घर से ठाक जाता था, जिससे घर पड़ता था स्कूल के पास। उसकी मम्मी कहती है अभी तेरे साथ आया, मैं कह रहा हूँ आंटी मैं तो आती अंदर से धीरे धीरे, ये नहीं पता नहीं छुट्टी क्या कहते हैं स्कूल में, तो मुझसे पहले वॉशरूम के बाहर निकल के आ जाता है यार। क्लास क्लास जो यार मिली होते थे वो सारे बाहर होते थे, जो दूसरे सेक्शन के होते थे बंदे। तो मैं यार जब क्लास तो है नहीं अपना, और उनके साथ बैठते हैं बातचीत करेंगे और दोस्तों के साथ, क्योंकि मोस्टली क्या होते थे लास्ट पीरियड गेम्स का होता, हमारा भी था और हमारा हमारे तो ऑलमोस्ट एक 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 भाई एक बार की बात है, हमारे ऑलमोस्ट सब पीरियड गेम्स फ्री सारे पीरियड सर था, इतना सही था ना क्लास के इंचार्ज, आज भी मिल गया ना वो इतने स्पेक्टर्स का पैर देते स्पेशल बाइक के एक्टर से उतर के जाके। खैर मतलब अपना सर वो था एकदम बढ़िया, बकचोदी के टाइम पे बकचोदी बढ़िया कराता था, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई बढ़िया कराता था, पीटने के टाइम पे पीटता भी बढ़िया डंडा से बढ़िया भाई। और कैसा था सर, तसल्ली से, तसल्ली से चिपता था भाई वो। मान लो ये काम कि नहीं उसका होता था कि आज पांच का हिसाब है, पांच का हिसाब इन द सेंस की पांच डंडे लगेंगे पर क्वेश्चन, पांच डंडे। और क्या थी अपनी टेंथ क्लास, और तो यार नहीं था डीडी गुडी मारते सारा सारा दिन, सुबह हर पांच मिनट अपना चल जाता था जैसे टेंथ क्लास, जैसे वो रील नहीं चल रही भाई दवाई जाना चलिए दो मिनट में आए, मैं जाता था राघव मार्केट तक जाना सामने चलिए पैकेट लेके आना है, शाम को छोड़ रहा था 6 बजे 7 बजे फिर आ जाता था राघव सेंटर तक जाना ठंड लग रही जरा बाइक चलाइए। सेंटर गया 1 घंटे बाद छोड़ रहा हूँ इसको घर, यही चलता था। तो और ऐसा होता था भाई कि अपन निकल रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, देखो सुबह गए अपना ये पिकअप कर लिया इसने स्कूल जाते हुए ठीक है, फिर मैं आ गया जल्दी, फिर उसके बाद पिकअप कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कूल के बाहर गेड़ी मार ली, जरूर ये रूटीन हमारा पक्का था कि ये आ गया कॉलेज के बाद, कॉलेज के स्कूल के बाद अपना पिकअप कर लिया, और फिर मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लेता था, कई बार तो ड्रेस भी चेंज नहीं करता आगे खड़ा होता था बस, पर ये पीछे से राघव चलाओ। मैं दूर से हॉर्न मारता आता था, मेरे को पता है हॉर्न सुन के भाग, और मैं भाई इसका ऐसा था ये गेट के वहां से हॉर्न मारना शुरू हो जाता था, मैं भी मैं कल आ गया हूँ, मैं कैसे पहले आवाज मारे मैं बाहर खड़ा होता था, मैं हाँ भाई सुनो कहता चलो, फिर मैं चलो बाहर खड़ा भी मैंने गेट बंद करके चढ़ने की तैयारी होता है एक्टिवा की, चढ़ो और चलो। और यार बच्चों पता है कि जब आएगा बैठ के बच्चों की तो करेगा नहीं बात तो करेगा नहीं, पता है घूमने ही जाता है। और हाँ ये भी दिखे ना एक्टिवा खराब है इसके, घर के भारी लगी होती थी पाइप पानी की सारा दिन, 20 वही चालू हो गए।
अगर होगी तो मैं बड़ी होगी बाइक वाली बड़ी होगी। तो अपना भाई इतना घूमते थे टेंथ क्लास में बहुत ज्यादा। स्कूल के बाद भी भाई कह लो कि आधा एक घंटा हमारा गेड़ी का पक्का था। फिर उसके बाद पता है फिर उसके बाद चलो भाई हो गए घंटे गेड़ी होगी घर चला गया। आधा घंटा मुश्किल से रेस्ट लेता था। फिर चार दो तीन बजे अपनी छुट्टी होती थी, चार साढ़े चार बजे की ट्यूशन होती थी। कपड़े कपड़े धुल के खाना खा के आता था मुँह चक्के। हाँ चार बजे तक छुट्टी होती थी, ट्यूशन होती थी चार साढ़े चार बजे, फिर आ रहे आधा घंटा पहले ही आ रहे ट्यूशन से। क्यों? क्योंकि गेड़ी बांध नहीं है भाई। हम धूप में गेड़ी बांध रहे, तुम समझो भाई। उस टाइम ये था घूमने से मतलब है, जो मर्जी सबदे नहीं अपना उस टाइम नहीं सर था। अब तो सर दर्दता नहीं, अब भी नहीं सरता। पांच बजे फोन आ रहा था तेरा, आ जा कहाँ रह गया यार। वो तो जरूरी है ना, मैंडेटरी है चीज है, तो दवाई है टाइम पे लेनी जरूरी है। तो ऐसे करते थे टेंथ में अपन, घूमते रहते थे शाम को। और इसका कई बार ऐसा होता था ये चला गया ट्यूशन, इसकी बाइक पढ़ने रख ली। जैकेट से अगर स्वेटर पहनने की आदत नहीं है, मैं आ जाता मुँह चक्के शर्ट में ही। इसको उठाया भाई, भाई एक बहुत बढ़िया बातचीत याद आ गई तेरे को शर्ट वाली। इसका हुआ था भाई, बोली स्टोरी बता सकते हैं भाई? नहीं नहीं यार एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, बट इसके थोड़ी पर्सनल है तो इसलिए डिस्कस कर सकते हैं। बट यार कपड़े लेते ही बहुत चेंज करे हमने, आपस में बहुत एक्सचेंज करे भाई। भाई ऐसा बंदा था सर्दी में रात को आ रहा है शर्ट में, ये पतली शर्ट है ना इससे भी पतली है, फिर फुल बाजू की यहाँ तक की शर्ट बस। मेरे को ठंड लगती नहीं थी यार क्योंकि उस टाइम इतनी सर्दियों में। बट रात को भाई कांपता हूँ घूमता था, मेरे पास आता था जबकि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। जब बाइक इसको पकड़ाता था भाई, ट्यूशन छोड़ मेरे को बाइक घर ले आई है, तेरे को बाद में फोन कर लूंगा। पर आ रहा था 10 बजे मेरे को उठाने, हाँ तो होगी छुट्टी। मैं इसकी जैकेट लेके जाता था स्पेशली, मैंने जैकेट पहन ले घर छोड़ दूंगा तेरे को, फिर जैकेट वापस दे दियो। ये सीन होता था। फिर ऐसे करते करते भाई समय निकलता गया, समय चलता गया। मैं आ गए हम 11th में, 10th में भी पढ़े थे परमजीत के पास। तो अब इसकी सुनो भाई परमजीत की कहानी, हमारा सर पांच का हिसाब दस का हिसाब, उसकी ट्यूशन की कहानी सुनो। ऐसा था वहाँ पे, जिस बच्चे ने अगले दिन देनी है फीस, अगर वो कराया उस दिन गलती तो अगले दिन आ गई उसकी फीस। सर कहता था कोई नहीं बेटा बैठ आराम से, कोई चक्कर नहीं, या फिर जैसे सर मार लगे ना पांच का हिसाब कह के सर जो फीस ला दूंगा आपकी। सर कहता ओह बस इससे बढ़िया क्या बात है, ताड़ी मार के और जब आ गई फीस अगले दिन दोनों दिन का कट्ठे बढ़िया तरह उसका ये था मौज मिलाता वो बंदा बच्चों। और हर संडे समोसा पार्टी होती थी, जितने मर्जी बच्चे हो चाहे 50 बच्चे हो समोसे तो आने आने बच्चे के हिसाब से। दिल का बड़ा खुल रहा सर। अरे सर भाई उस बंदे के लिए आज भी रिस्पेक्ट है अपने लिए। ऐसा हो रहा है जाते हैं ना दूर से पता चलता है पीछे नीचे हेलमेट पहन रखा भाई ये अपना सर जा रहा है। पहले उनकी जो पुरानी वाली बाइक थी उससे पता चल जाता कि हां भाई परमजीत सर की बाइक है। बुलेट ले ली, बुलेट ले ली हो और वाह भाई वाह। फिर उन्होंने स्प्लेंडर चेंज करी, सबसे पहले थी सीडी डॉन शायद है ना, तो कभी कभी ऐसा होता था कि सर का जैसे मूड अच्छा है ना तो कहते क्लास में बैठ जाओ। हमारी क्लास ऐसी क्लास है जिसको कोई प्रिंसिपल तक कुछ नहीं आते थे, असेंबली टाइम पे क्लास में बैठे हुए हमारे इंचार्ज था प्रभजीत सर। तो सर की इतनी चलती है ना भाई पूछो ना बस। तो वो ऐसा था कि वो कहते थे कि तुम बैठ जाओ, मन है ना तुम्हारा, तुम्हारा मन है तो बैठ जाओ, तुमको जाना है तो तुम चले जाओ असेंबली में। आधी क्लास बाहर होती थी आधी अंदर। तो फिर जब मूड अच्छा है उसके सर का वो कहता क्लास में बैठ जाओ, हम लोग बैठ जाते थे। फिर हम करते थे सर के साथ बच्चों की, कोई प्रेयर नहीं करता था क्लास में बैठ के। राइट नंबर सर के लिए
लड़की बना दी जोड़ी एक तरह से, वो था लड़की का नंबर सर पे आई कॉल। पहले तो उसने कह के काट दिया कि रोग नंबर है, हमने सर को थोड़ा पंप दिया, सर कर लो फोन, क्या पता हेल्प भी चाहिए हो, भगवान ने सर राइट नंबर मिलवा दिया हो। सर ने करा कॉल बैक, सर ने तो कर दी सेट। रोज सुबह सैंडी के टाइम हमारे तो सर ने ज्यादा भाव नहीं दिया, चलता रहा चलता रहा, फिर हमने पंप कर दिया सर। मतलब सर ने भी हमारी मस्ती के लिए करा था, वैसे सर मैरिड है, उन्होंने हमारी मस्ती के लिए करा था कि थोड़ा हमारा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और भाई कुछ कुछ करवाते थे सर से, बढ़िया मजेदार सीन था हमारे, बढ़िया एकदम। तो भाई ऐसे करते करते टाइम बीतता गया, सर के साथ अपना मजे करते रहे, पढ़ते रहे, स्कूल में मकसूदियाँ करते रहे। फिर आगे टेंथ के बोर्ड की बारी, उससे पहले यार देखो प्री बोर्ड जो होते थे और जो नॉर्मल टेस्ट होते थे उसमें तो हारे आते थे, उसमें नंबर नंबर पढ़ के ही जाते हैं, नंबर तो क्या ही आएंगे, और ना इतना सीरियस लेते थे हम लोग उससे। और पता है टीचर्स अपने को ऐसे डराते थे कि भाई तुम इसमें पास नहीं होगे तो तुमको बोर्ड वाले पेपर नहीं देने देंगे और ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट जो हमारा सर था ना वो हमको मोटिवेशन देता था कि क्या कोई बात नहीं, इसमें नहीं किया तुम वैसे कर लो पढ़ लो, बोर्ड में तुम्हारे नंबर अच्छे आने चाहिए। और भाई सर ऐसा था कहते हैं वो हमें सिलेक्टेड पढ़ाता था, और सर था ऑलराउंडर, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था वो सारे, SST होगी, हिंदी होगी, साइंस मैथ सब। फोन कॉल आता है सर के पास तो ऐसे हाँ। करते करते सर भी बढ़िया बातचीत करा रखे, वो तो एक राजस्थान साइड की लेडी थी, तो फिर एक दिन बात हुई, यूपी ऐसे कुछ हाँ। एक दिन बात हुई सर की, दो दिन बात हुई, फिर तो सर ने भी चक दिया फटे, और डेली कॉल करा सुबह कॉल, हम बैठते क्लास में किसी की हिम्मत नहीं कुछ आगे कह रहे। फिर सर अपना बातचीत कर रहे, हम ना कुछ कुछ बच्चे होते थे क्योंकि सारे बच्चे जो थे वो आते थे लेट असेंबली के बाद, तो हम जो बच्चे होते थे ग्रुप बना के सर की टेबल के पास खड़े होते थे, सर स्पीकर पे फोन करो हम भी सुनेंगे। और बाद में सर के लगते थे मजे, जब सर लगते थे पांच के हिसाब करने, सर उसके नाम पे छोड़ दो। उस टाइम पे भाई हमने सर को भी कुछ कुछ याद दिलाया, सर की पढ़ने में सर वो कोई बात नहीं आता सब रहने दो, और मान लो सर का पेड़ लेना सर को छेड़ देते थे हम कई बार जाते जाते, सर जी गुड मॉर्निंग, सर दूसरी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं हम जान के छेड़ते हैं सर गुड मॉर्निंग, सर बदला जाते हैं कहते रुक जा अगले पेड़ हमारी क्लास में है, सर कहते कोई बात नहीं अगले पेड़ में पांच का हिसाब है। अंदर से बात आती थी पांच का हिसाब, हम भाग जाते थे फिर बिना सुने, मेरा सर ठीक है बाय बाय गुड नाइट। फिर भाई ऐसे करते करते अपना बोर्ड का टाइम आ गया, फिर टेंथ कंप्लीट हो गई, अपनी बोर्ड में हम सीरियस हो गए थे सारे, बोर्ड से पहले अपना हो गए थोड़ा बहुत सीरियस, अपना बैठ के पढ़ने पढ़ाई कर ली, रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट आया तब टीचरों के मुंह से देखने वाले, वो कहते थे पास नहीं होंगे दोनों, तो हम दोनों को तो पक्का डाउट था भाई, दो टीचर थी दोनों का हमारे स्कोर चले पता, तब उनकी ना नीचे से निकल गई, ट्वेल्थ में और ज्यादा सीन था उनका, ट्वेल्थ में तो छोड़ तो टेंथ का भी था उनको, तो फिर उसके बाद 11th क्लास में आ गए। 11th क्लास में मैंने रखी थी ट्यूशन हिमानी की सिस्टर के पास, हिमानी मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, इसकी फ्रेंड है मेरी जी, फ्रेंड हुआ करती थी का है अभी भी, तो उसकी सिस्टर के पास रखी थी। पहले इसके बारे में बताया नहीं था कि मैं वहां जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बकचोदी पाता था भाई, ये पढ़ने देता था मेरे को, पर मेरा ये सीन था मैं 11th आ गया थोड़ा बहुत सीरियस सोचे, पर ये साला पढ़ने नहीं देता था, कुछ भी याद करता वैसे कुछ ना कुछ याद दिला देता पढ़ा पढ़ता। फिर इसको मैंने कहाँ से पता चला तेरे को, मैंने बताया था शायद हिमानी ने बता दिया था, नहीं हिमानी की फ्रेंड तो बाद में बात दीदी की एक फ्रेंड थी उससे पता चला था मेरे को, राघव का ट्यूशन जा रहा है दीदी, शायद दीदी दीदी से बातचीत हुई थी तेरी, तो फिर वहाँ से पता चला मेरे को, तो मैंने इससे पूछा, शायद उसको इसने बता दिया था पहले, तो मैंने कुछ हुआ था इसको पता चल गया, फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे बात है, फिर इसकी बातचीत हुई, फिर अपना ट्यूशन जाने लग गई डेली, फिर वहीं पर चालू कर दी थी अपना इकोनॉमिक्स की थी, और किस चीज की, इको की बिजनेस की, इको बिजनेस अकाउंट्स की भी थी शायद, इको बिजनेस और अकाउंट्स की, तो फिर होता क्या था वहाँ, ये तो काम करा था ऐसा नगर से, मैं तो भाई ये था कि जो काम दिया अपना बढ़िया काम करके आना, इसके तो थोड़ा है काम करके नहीं आता है दीदी, एक कहती उठाया फोन, हम दोनों काम नहीं करते, हम दोनों साथ ही घूमा करते थे, दोनों साथ घूम रहे रात तक साथ है, पर फिर भी मैं अपना काम करके चला जाता था, स्कूल से रात तक साथ थे पूरा साथ, फिर भी मैं अपना काम कंप्लीट किया, अभी ऐसे ही होता है, ये आया हुआ है सुबह आता है ऑफिस, दिन में मैं ठाल लेता हूं छोड़ता हूं शाम को बैठा लेता हूं। तो ऐसे ही रात तक चलती थी अपनी, बट ये था कि मैं अपना काम कंप्लीट करके फिर ही जाता ट्यूशन, और ये भाई साहब अपना चल रहे हैं खेल रहे हैं कुछ कुछ,
फिर उसके बाद हिमानी भी पढ़ती थी अपने हिमानी पढ़ती थी हमारे साथ, बट उसकी एक बड़ी सिस्टर थी आशना दीदी है वो पढ़ाते थे, और वो दोनों बहने हैं बाहर पेट्रोल हो ना हो स्प्लेंडर ले रखे फूक मार मारे घुमा लेते हैं। तो उस टाइम भी था यार वहां पे भी बकचोदी बढ़िया होती थी अपनी कई बार। एक ना कुछ नाम थे थोड़े ये और हिमानी मिल गया मेरे को छेड़ती रहना और वो दीदी के सामने नहीं बोल सकते थे आशा भाई के सामने पीजी बोल बोल के चलाते थे और वो ना हम बोल नहीं सकते थे आशा भाई दीदी के सामने क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था, उनके सामने थे हम सारे शरीफ हिमानी ये दोनों चिढ़ाते थे उनको पीजी पीजी बोल के। दीदी को कहते थे क्या है ये बहुत बढ़िया सीन हुआ करता है दीदी कहते थे क्या है ये, हम कहते हैं दीदी कुछ नहीं है एक दिन पीजी लिया था इसने रेंट पे इसके दोस्त को जो आया था वो पीजी वाला मार गया इसके दोस्त के पैसे। तो उस टाइम से अपन पीजी पीजी करते आ रहे हैं इनको ना। और ऐसे तो वहां भी पार्टी पुटी हो पार्टी पुटी रोज डेली एक दो दिन छोड़ के डेली पैसे इकट्ठे करे। हिमानी को पसंद है चटनी लाल वाली स्पाइसी वाली मोमोज के साथ चटनी आती है वो खा देती भाई पूरे मोमोज लपेड़ के उसमें भाई। हम एक दिन लेके आए वहां पे ट्यूशन पे मोमोज और दीदी का एक भाई भी आया हुआ था तो उस दिन का सीन बताता हूँ मैं उस दिन का सीन बताता हूँ। उस दिन क्या हुआ दीदी का आया था किसी चीज का रिजल्ट और उसकी फ्रेंड का भी तो वो रिजल्ट बता दी थी उनकी फ्रेंड को अच्छे से और दीदी ने उसको बता दिया सही रिजल्ट। तो हमने करा उसके भाई के नंबर से फोन क्या उनको ताकि सर हम यहाँ से मैम हम यहाँ से बोल रहे हैं आपकी स्कॉलरशिप निकली है आपके कितने स्कोर आए हैं। तो उन्होंने फिर बताया सही स्कोर हम क्या दीदी कहते हैं मेरे को इतने बताए थे आए इसके इतने हैं ये वो मैं हमने कहा चलो कोई नहीं हम तो बाहर चल गया। फिर हमने पार्टी करी फुल मजे करे उस दिन पिज्जा बर्गर पहले तो वो लड़की भी वो हो गई कि क्या कौन बात कर रहा है हमने भाई बिल्कुल हिंट नहीं दिया उसको कि हम लोग इनसे कुछ कनेक्शन है और बात कर रहे हैं। दीदी परेशान हो गई दीदी कहती है मार्क्स आ कैसे गए तो पढ़ती भी नहीं और मेरे को बताने नहीं मेरे मार्क्स पूछ के उनके मार्क्स पूछ लिए उसने उनके मार्क्स नहीं बताए। फिर हमने फोन मिलाया ऐसे बातचीत करी फिर उसके बाद खुल के पार्टी करी फिर हम लोग लाए थे पिज्जा मोमोज और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भाई उस हमारी स्पेशल डिमांड थी कहती थी स्प्रिंग रोल भी थे हाँ हमारी स्पेशल डिमांड थी कहती की पानी पानी पिए जा रहा हूँ कुछ खा ही नहीं रहा भाई मेरे हाथ जुड़वा लो पहले खाता हूँ कुछ भी फिर इसको फ्रूटी ला के दी बंदे को फिर जाके सही उसके बाद भी कितनी मिर्च लग रही थी और वो लड़की भाई मुझे से खा रही है आराम से कह रही है बोल कर रहा हूं भाई मत खा मत खा मत खा ये नहीं खाऊंगा ये भी तो खा रही है खा ले भाई। वहां भी ये मतलब थोड़े बहुत गेम घूम खेलते रहे तो बाहर जाके हां गेम खेलते रहे शिवम छोटा भाई है तो वो फोन में गेम खेल रहा था उसके साथ बैठ के क्या खेल रहा है दिखा इधर उधर ये वो पतंगे डाने चले गए पतंगे टाइम पे बहुत क्रेज हो गया था अब तो इतना नहीं उड़ते यहां पे बट एक टाइम तक मैं इसके घर पे आ जाता था पतंग उड़ा यार 14 में पहले बहुत तंगी उड़ी थी मैं 14 में रहता हूँ बट अब ये उड़ते पार्ट में उड़ते हैं फिर हम अपना दीदी के घर चले जाते हैं वहाँ जाकर उड़ाते हैं वहाँ पूरी पतंग उड़ती है। तो उसके बाद 11th भी खत्म नहीं होगी 11th पर आप फिर ट्यूशन चेंज कर ली थी भाई बीच में साहिल भैया के पास जब हाँ फिर दीदी के अपनी स्टडीज आ गई थी तो ट्यूशन चेंज करनी पड़ी साहिल भैया के पास छोड़ दी इसके बारे में नहीं बताया मैंने ट्यूशन छोड़ दी मैंने इसको सस्पेंस रखा मैंने उनके पास ज्वाइन कर ली साहिल भैया के पास ट्यूशन इसको मैं बताया नहीं मैंने जान के मतलब सस्पेंस कर दो फिर ये मैं जा रहा है डेली ये पूछ रहा डेली तो तुझे क्यों आ रहा आजकल मैंने उनको मना कर दिया मैंने दीदी मत बताना अभी मैं अपना बताऊंगा क्या अचानक ढूंढी फिर मेरे को बता रहा भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ आ जा यहाँ पे मतलब ऐसा था ट्यूशन पहले खुद ढूंढता था इसको सही लगे फिर मेरे को बताता था कि ट्यूशन सही है आ जा फिर वहां भी हमने साथ जाना शुरू कर दिया फिर वहां पे हमारे साथ हुआ एक और एड मेंबर एड जिसका नाम है पुनीत ये दिख रहा है ये जितना मैं हूँ ना मेरे से भी आता है वो आता तो नहीं इतना होगा वो मेरे से भी आता है वो मेरा हाथ फिर भी थोड़ा ऐसे रखने में सही दिख रहा है उसका दिखेगा भी नहीं
वो भाई पागल बंदा है एक नंबर को, फोन को भाई इतना बार बार चेक करता रहेगा ना भाई, उसका फोन इतना समय लग जाए ना भाई, क्या हो गया दस बार देखता है बंदा फोन। और मान लो कहीं उठ के जा रहा है ना बंदा, फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन का, तो दस बार तो पीछे नीचे आगे पीछे पूरा घर छंड है, कुछ रह तो नहीं गया मेरा, गलती से कुछ छूट तो नहीं गया, अच्छी बात है वो तो, बट इतना भी नहीं करना चाहिए भाई, वो ज्यादा एक्सेसिव करता था। और ऐसा था भाई वो बंदा कि उसके एक्टिव में किसी ने ऐसे हाथ भी कर दिया ना या पैर भी मार दिया उस, भाई ये क्या कर दिया तूने भाई, वो वही बंदा ऐसे एक्टिव है ना, ऐसे खड़ा हो देखा जाता था क्या हो गया एक्टिव आगे, जैसे पता नहीं उसकी प्राण चली गई हो किसी ने, उसके ऐसे था मान लो उसको तुम फोन करके कहोगे ना कि हाँ भाई यहाँ पे आ जा, ऐसे ऐसे जुड़ता है फोन ही उठाएगा, एक बार उठाएगा एक बार गायब, पहली बार तो फोन भी नहीं उठाता, फोन मिलता ही नहीं उसका कभी भी, और नंबर नहीं देता, दूसरी चीज वो तीसरी चीज कभी आएगा नहीं वो अपनी एक्टिव पे, अगर आ जाए तो ये कहेगा कि आपकी एक्टिव पे चलते हैं कहां पे जहां पे भी जाना है, उधर ट्रिपलिंग ही मारनी बंदे ने पीछे तीन बैठ गए डबल ही भाई, उतर जा मैं नहीं उतर तेरी ऐसी कैसे उतर जा मैं नहीं जाता ट्रिपली पे, डबल ही बड़ी मुश्किल से बिठाता था वो यार, तू ट्रिपल की तो क्या ही बात करे। तो भाई वो था पुनीत, ऐसे ही मतलब दिमाग का सटका हो थोड़ा सा बंदा। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी ट्यूशन वाली बेंच पे, तो भाई भैया का ऐसा था पढ़ाता बढ़िया था, मतलब मजे ही टाइम पे मजे मतलब हमारी ही एज के एक दो साल बड़े होंगे, दो या तीन साल बड़े होंगे ऐसे ही है। और उस टाइम क्रेज था पबजी का, क्योंकि आगे थी पबजी, तो हमें भी लग गया चस्का, हम भैया के आगे आते भैया आ रहे हैं अभी 15 मिनट में, भैया समझ जाते थे कि पबजी खेलने जा रहे हैं, साइड में होता था पार्क करके भैया के, वहाँ जाके बैठ जाते थे एक एक घंटा दो दो घंटा पबजी खेल के आ रहे हैं भैया के पास, भैया अब पढ़ा दो, भैया कहते साढ़े तो छुट्टी का टाइम हो गया अब क्या पढ़ोगे भाई, भैया हमको इतना कहते थे कि भाई पढ़ ले पबजी खेल ले कोई बात नहीं खेलो, बट फ्री टाइम में खेलो, आधा घंटा खेल लो 15 मिनट खेल लो, भाई सब जा रहे हैं अपना एक एक घंटा खेल रहे हैं पबजी, ट्यूशन में बैठ के पबजी खेल रहे हैं। और फिर कई बार तो ऐसे हुआ बीच में रैली निकलती थी हमारे यहाँ, तो एक बार भाई साहब पहुंचे गए रैली में अरे वो कैंडल वाली जो कौन मर गया था एक बार ये भाई साहब पहुंच गए किरण गेट अपनी इधर मैं भी थे, हम आगे जल्दी हमें पता था कि भैया भड़क जाएंगे, हम उसको फोन कर रहे हैं भाई आ जा आ जा आ जा, कह रहा आ जाऊंगा और उसके बाप खड़े ट्यूशन के बाहर, हम गए शायद याद कर जब एक बार जब फोन पे भैया जिस दिन गुस्से में हो गए थे पूरे, इसके पापा है ये आ रहे बाद में आराम से पैदल पैदल, ये वाला किस्सा मेरे को याद नहीं था, ये आ रहा है भाई बाद में आराम से पैदल पैदल, पापा देख रहे हैं भैया चल, फिर उसके पापा चले गए फिर पढ़ने लगे, भैया कह रहे सुधर जाओ और भाई अपने ट्यूशन पे आकर था आयुष और हितेन भी, हितेन भाई से पैसे उसके फोन खोल के देख लो उसके फोन में गाने ही गाने, तो बंदे भाई आयुष भी पढ़ा करता था बट हितेन के चक्कर में वो भी पढ़ता नहीं था, भैया हमेशा कहते थे कि तू पढ़ सकता है तो पढ़ता नहीं, बट हितेन के चक्कर में फिर वो भी ऐसे था। चलो छोड़ो ऑन द अदर हैंड फिर हमारी 11th भी ऐसे खत्म होगी, फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया, मैं आरएस में चला गया, फिर ऐसे करके यार अपना बॉन्ड थोड़ा कम होता गया, बॉन्ड तो ऐसे शाम की गेट तो सेम थी वो तो बट ऐसी है बट कम मिलना, और जैसे जैसे सेंटर अलग हो गया स्ट्रीम अलग होगी फिर ये हो गया वो हो गया सब कुछ चेंज होना लग गया ना, चेंज हो गया सारा कुछ, क्योंकि आपको पता ही है स्कूल में फिर स्कूल की टीचर ट्यूशन रखनी पड़ती है, फिर वही सीन पड़ गया अलग हो गया, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, फिर भाई सब चार सेक्टर शिफ्ट हो गए, मॉर्निंग में टाइमिंग की 12 बजे बुला लिया मैडम ने कभी, बट हम फिर भी मिल लेते थे टाइम निकाल लेते थे अपना,
12 बजे जा रहे कभी या फिर शाम को जा रहे 6 बजे और भाई जो मेरी बाइक हुआ करती थी लाना जिसका भाई याद है डिस्कवर आधा स्लाइसर फटा हुआ अरे मैंने थोड़ा सा जान के वो अरे थोड़ा सा फटा हुआ उसमें क्रैक ज्यादा इस बात में हाथ मार के पूरा तोड़ दिया फिर बाद में वो चोरी भी होगी भाई को बंदा आज तक कभी डिस्कवर दिख जाए ना ऐसा देखता वो भी मेरी बाइक पास जाके देखे किसी और की उतरा ना जब रात को आया हूँ 11:30 बजे एक डिस्काउंट जा रहा था मैं देख रहा हूँ तो मेरी बाइक तो नहीं है ये यार उस बाइक से मेरी इतनी मेमोरीज है ना बहुत प्यार कर रहा ना भाई इसकी ब्रेक ना हॉर्न थी भाई ब्रेक थी ना हॉर्न ना लाइट ना इंडिकेटर ना बैटरी इंडिकेटर तो मैंने तोड़ दिए थे इन्हें चार इंडिकेटर पकड़े और पता क्या उसमें बैटरी डलवाने रखी थी मैंने बैटरी से चालू करनी पड़ती थी वो हाँ ठीक में मजा आता था और सर्दी में हमारे कैसे हो जाती है चालू करते हुए तो वही अरे एक बार की बात बताता हूँ मैं क्या हुआ कि मेरी मेरे को जाना था अर्जेंट ट्यूशन मतलब लेट हो गया था ऑलरेडी मैं स्कूल से 12th क्लास की बात है मेरे को नहीं पता 12th में चेंज हो गया तो मेरे को जाना था भाई ट्यूशन और मतलब पहले ऑलरेडी मैं लेट था तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बाइक को करते करते थोड़ी ज्यादा हो गई और रेस की तार टूट गई फिर भाई मैं 10th क्लास की बात है ये शायद ना हाँ वहाँ पे जाना था इधर कौन सा नगर है प्रीतम नगर प्रेम नगर परेशान क्या करे क्या ना करे फिर जैसे तैसे करके तो कुछ है नहीं जुगाड़ मैंने बाइक को खड़ी किया वही चाबी रखी आयुष भी जाया करता था उस टाइम आयुष भी लेट हो गया तो उस दिन बाई चांस मैं आयुष को फोन किया कहाँ पे है कह रहा बस जाने लग रहा मैं कहा मेरे को भी पिक कर ले फिर मैं गया हूँ फिर उसके बाद डोरेमोन की भी ट्यूशन होगी करके आगे फिर बाइक में चला रहा हूँ मैं कहा देखूँ यार क्या जुगाड़ हो सकता है फिर नीचे से रेस की तार नहीं हो जाती वैसे यार वो एक लगाया था कि उसको ऐसे करो चल जाती है फिर मैं कहा यार ऐसे भी तो करके लेके जा सकता था मैं बाइक को ऐसे बैठ के लेके जाता है ना भाई हाँ ऐसे करके फिर तेरे भाई ने चलाई है उसको भाई थोड़ा सा वो पीच होता था उसको टाइट करेगा तो दिमाग लगा इधर उधर चेक किया ये मिल गया जुगाड़ फिर तेरा भाई दो चार गेड़ी मार के तो बस फिर ऐसी हमारी 12th भी खत्म हो गई हमारे बोर्ड के टाइम पे सुन तो सही 12th में जो मैडम थी हमारी को वाली वो मेरे को स्पेशली क्या करती थी करी मैं देखती हूँ तुम लोग कौन पास करा था और यार मेरे बारे में पूछती थी कि उसका क्या चल रहा है आजकल हमारा ये सीन था ट्यूशन पे भी उससे पहले की थोड़ा बहुत करके जा रहा है बट इतना सीरियस नहीं है कि पढ़ रहे हैं क्लास में साथ बैठते थे मैम को पता था साथ ही है तो मैं भी इससे मेरा पूछ रहती हूँ क्या कर रहा है ये कहता था मैम पता नहीं क्या कर रहा है यार क्यों इतनी वो कर रहा हूँ फिर आगे हमारे आगे मार्क्स अच्छे इसके आगे था अच्छे उससे पहले की बात तो बता देते रुक जा क्या अरे मैडम ट्यूशन पे मेरे को पूरा बोला करती थी कि तुम अच्छा, पढ़ लो हाँ। तुमको ये नहीं करने दो काफी इको वाली मैडम तो भाई लेक्चर इतना दिया करती थी ना सब बच्चों को स्पीच करती थी कहते कि तू ये नहीं कर पाएगा ये वो तेरे मार्क्स नहीं आएंगे ये मेरा मैडम जी बात ऐसी है कोई बात नहीं आप कर लो जो करना आपको भाई और एक बार वो इको वाली मैडम मेरी माता ने धमका दी थी स्कूल में अंदर बैठे बैठे एक दिन ने शिकायत लगा दी इलेवेंथ में दोनों इको वाली और बिजनेस वाली दोनों बैठी मेरी मम्मी ने कहा इसको मारवी ट्यूशन लगवा दो ये वो मम्मी ने सारी क्लास के सामने बोला सारे पेरेंट्स के सामने क्या है ट्यूशन लगा दो अपने 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 लिए मर रहे हो कि मार्केट ट्यूशन लगा दो पैसे आ जाएंगे और पढ़ाना स्कूल में पढ़ा लो वरना अभी निकलवा दूंगी प्रिंसिपल से बात करके मम्मी ने झाड़ दी वहाँ बाद में पापा का छोटा सा हो गया बेचारा दोनों का मुंह ऐसे हो गया बाद में मेरे पापा को फोन करके कह रही है इसकी मम्मी ऐसे आज ऐसे से बोल रहे हैं पापा कहते हैं सही बात बोल ली है ना क्या करूँ बाद में प्रिंसिपल से फोन करा रहे चेयरमैन कहता क्योंकि मेरे पापा को जानते थे बस वैसे चेयरमैन वगैरह की कोठी है हमारे घर के पास ही पड़ती है तो कह रहे कोई नहीं सर हो जाता कभी कभार तो प्रिंसिपल के पास गए प्रिंसिपल कहती कोई नहीं सर हमें तो पता है बड़े बंदे हो उल्टा केस पा दोगे तो फिर अरे बात ये है ना इसके पापा भी वो एडवोकेट है तो इसने पंगे नहीं लेते वो लोग स्कूल वाले भी पता है कि चलो पता लगे अपने पे केस करवा दिया उल्टा और तो बस फिर यही पंगा था 1-2 लाख रुपए के चक्कर में अरे बाद में टीसी लेने गया था जब मैं 11th में पंगा पा दिया चेयरमैन ने कह रहा कि हम तो आर्ट्स का आर्ट्स फेल का आर्ट्स पास का टीसी देंगे कॉमर्स फेल का टीसी देंगे कॉमर्स फेल का देंगे और वो मेरे से
फीस ले रहे थे पूरी आर्ट्स की 11th में, क्योंकि मैंने 11th में चेंज कर ली थी आर्ट्स। 11th में एंड में जाके इसने कॉमर्स से स्ट्रीम चेंज कर ली आर्ट्स में। अरे नहीं यार, तो क्या हुआ था, कॉमर्स कर रहे थे, समझ आ रही थी, पास भी हो गया, मेरे पल्ले की बैठे थे कि हाँ ठीक है नहीं हो पाएगी, मैंने 12th में कर ली आर्ट्स। तो कहते कि हम लेंगे, हम तो देंगे। अरे 11th में लगा हमने फेल किया था, जान की ट्यूशन नहीं रखी थी। हाँ सर, उन लोगों ने भाई 11th में फेल कर दिया था हमको, एक एक दो दो सब्जेक्ट में। क्यों? मम्मी सुनाते हैं इसी बात पे। हम लोगों ने उनके पास ट्यूशन नहीं रखी थी। 11th में हम लोग जाते थे उनके पास, सारे भैया के पास, और 11th में वो लोग जो बाकी बच्चे थे ना वो जाते थे उनके पास ही, मैडम के पास। और इवन ये है कि उन्होंने पेपर भी बता रखा था, पेपर बता देती थी वो। एक दो बार मैंने ट्रायल कर रहा था वहाँ पे अपने वाला बच्चे को, तो पहले आया उनको पेपर बता देती थी, मेरे को बताया नहीं क्योंकि पता दो तीन दिन के लिए आया। तो फिर मेरी मम्मी ने सुना दिया, फिर उसके बाद मैं फेल कर दिया 11th में। 12th मैंने आर्ट्स ले ली वहीं पे। फिर मेरे पापा मम्मी और कहते क्या करेगा, तो स्कूल ही ऐसे, जब स्कूल चेंज कर लेते हैं। स्कूल चेंज करने लगे, कह रहे हम तो इसको 11th में आर्ट्स की डिग्री का टीसी देंगे। पहले बोला था 11th फेल का टीसी देंगे, पहले 11th फेल का देंगे वो भी आर्ट्स का। पापा कहते अच्छा, जो कॉमर्स की तुमने फीस ले रखी है फिर वो भी वापस कर दो। फिर प्रिंसिपल से बात हुई, प्रिंसिपल कहते हैं चेयरमैन से बात करती हूँ, हमें पता है उल्टा पड़ जाएगा हमें। फिर चेयरमैन से बात हुई, चेयरमैन उस टाइम देख रहे थे कौन लड़का किसके पेरेंट्स है। तो पापा गए मिलने, कर सर जी आप, कोई नहीं अभी आता हूँ, कोई चक्कर नहीं, स्कूल में सारे जानते हैं क्योंकि बचपन से स्कूल में था, तो चेयरमैन ने पापा को जानता अच्छी तरह ये वो। तो फिर ये तो थोड़ी दौड़ने वाली बात होगी। हम तो दूर थे पर लड़ाइयाँ होती थी हमारी क्लास की, हमारी क्लास की, और मोस्टली होती थी लड़कियों के पीछे कि भाई तूने मेरी बंदी को कैसे वो कर लिया, तू मेरी बंदी से कैसे बात कर रहा। इस चीज पे लोग लड़ाई खुलने लग जाते थे कि भाई तूने गाली क्यों दे दी, तूने मेरी बंदी की पेट लगा। हट यार, बंदे यार वेले बंदे थे वो सारे लड़ने वाले, कोई किसी का लट मार रहा है स्कूल के बाहर, लट बज रहे डेली गाड़ी में से उतार के उसके सिर फाड़ के। स्कूल वाले सबसे गंदी बात ये थी, एक सर था गेम्स का, छुट्टी के टाइम वो लाके पुलिस वाले खड़े करते थे कि चालान काटो बच्चों के, बच्चे आते हैं दारू दारू नाम लगा होता हमने उसका, तो आगे लाके खड़े कर देता था। हम भी बड़े तेज दिखे पुलिस वाले, एक्टिव होकर धीरे धीरे पहले पैदल लेके जा रहे हैं, आगे जाके बैठ के बाय बाय। और फिर हमने एक्टिव दूसरी साइड ही शुरू कर दिया, हमें पता नहीं कुछ नहीं हुआ था बाकी मेरे को। तो पहले भी ट्यूशन हुआ करती थी सुबह सुबह। हाँ हम परंजी सर पर ट्यूशन होती है, 10th की बात है। अच्छा जो कहती थी मैडम मेरे को कि मैं देखती हूँ तुमको कौन पास कराएगा, तब मैं जाके उससे लड़ने लग जाता, मैं कहा ये देख लो पास कर दिया, मैं कहा पास भी गया, पास से बढ़िया नंबर ले लिए। इससे पूछती उसका क्या रहा हीरो जो मेरे साथ घूमता है, जो मेरी क्लास टीचर थी ना, मैं कहा क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि साइड नहीं चल रही थी क्योंकि ज्यादा लोग पड़ गए साइड पे, तो मैंने अपनी क्लास टीचर को फोन किया, मैं मिल जाए बता दो मेरा क्या है। मैं भाई मेरी उस टाइम बहुत डरा हुआ था, मैंने यार क्या हुआ, तो मैंने क्लास टीचर को फोन किया, मैडम को पूछे मैम क्या है अभी भाई, लास्ट में वाला मेहनत भी तो बड़ी करती थी। मैं फिर यार ये था कि लास्ट में सीरियस हो गया था, अपना बढ़िया पढ़ रहे थे, मौज काट रहे थे। सर मैडम ने कुछ किया मेरा, उसके क्या रहा ना हीरो के तरह साथ मेरा आज भी वालों जी, मैं कुछ पता किसी के बारे में। फिर एक दिन इसको मिल गई मैडम, साथ है मैं भी था इक्का वाली जो पूछ रही थी, नहीं इक्के वाले को मैडम, मैडम का जो लड़का था ना वो हमारे साथ ही पढ़ा हुआ था, इक्के वाली मैडम नहीं वो, वो इक्को भी पढ़ाती थी यार, वो इक्को भी दोनों पढ़ाते थे, वो अच्छा मैंने कहा उसकी मम्मी का मुंह ऐसे
उसके बाद कॉलेज वगैरह फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, तो ये तो अपना चला गया था, इसने चिटकारा एडमिशन लिया था, पहले चला गया था, लॉकडाउन हो गया था, फिर लॉकडाउन में तो गया, तो उसके बाद 6 महीने में मैं कॉलेज गया हूं, वो भी डिग्री भी खत्म हो गई मेरी, अब मैंने ये भाई साहब बैंगलोर गया है, अब मैंने लेट शुरुआत करी अपनी डिग्री की, मैं इससे पहले अपना फिर लॉकडाउन में पहले तो मैंने उसमें दिया था इंडियन प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे कॉलेज एक बड़ा गंदा अलॉट हुआ था, तो उसमें मैंने वो नहीं किया, मैं कहीं इसमें जाना ही नहीं बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने इग्नू में किया एक साल, इग्नू में साथ फिर वो भी बनाते रहे कि भाई अब आएंगे अब आएंगे ये वो पेपर अब ऐसे ऐसे है। इसके साथ मैं भी गया बहुत बार गया उनके साथ, भाई एक तो कुछ पता नहीं, अपडेट नहीं देते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो दूसरी चीज ये कि बीसीए नाम का भाई उसमें कोडिंग का कुछ था ही नहीं, उसमें पढ़ा रहे व्हाट इज कंप्यूटर व्हाट इज सीपीयू यार, ये सर इसने वो भी परे मारा, फिर इसने कॉलेज में एडमिशन लिया बैंगलोर, फिर उससे पहले बीच में स्टार्टअप भी, हां इसने अपना स्टार्टअप करा डिजिटल मार्केटिंग का, फिर थोड़ा बहुत टाइम मेरे को सिखाता रहा साथ साथ ऐसे क्लास लेता था उसमें, पर ये बंदा सीख नहीं बिल्कुल ना सीख मैं सीखता मेरे को नींद आती है, मैं कहता हूं आ रहा हूं 5 मिनट में, 1 घंटे बाद फोन कर रहा भाई आए नहीं तो मैं कहता सो गया भाई मैं, वो तो पता था मैं यार इसको फायदा मेरे को थोड़ी बहुत एडिटिंग तो आती थी, मैंने कहा चलो उससे काम चल जाएगा, तो फिर उसके बाद इसने बैंगलोर में एडमिशन ले लिया, फिर ये भी बाहर चला गया, मैं बाहर गया था बिल्कुल, आज आज के दिन ही फ्लाइट थी मेरी, आज से एक साल पहले 8 नवंबर को मेरे बर्थडे से 8 दिन पहले मुलाकात नहीं हुई, अपना फंक्शन था कुछ मेरा फ्रेंड था मीर जैसा, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते थे उसमें तो वो आया हुआ था, दीदी की मैरिज थी उसका बर्थडे हो गया ये वो, तो मैं बीच जाता था, बट हाँ जैसे टाइम मिल जाए इसको पिक कर लेता है इसके ऑफिस से, बस फिर हम उसने मैं भी सिर्फ आया उसके लिए, मेरा शादी हाँ इसी घर की फंक्शन था, शादी थी भाई की, तो वो निपटा और फिर मैं चला गया था, फिर उसके बाद अब आया अब आया ये भाई साहब अभी लाता 10 को आऊंगा और 2 को आके बैठ गया, 2 तो नहीं 4 को है ना, 3 को आया था मैं, अभी भी यार मैं सोच रहा हूँ जल्दी चला जाऊँ अपना, अरे मालूम मैं भी बर्थडे है मेरा यार, बर्थडे तो है तेरा, बट यहाँ पे बोरिंग है ना, वहाँ पे अपना सारा सिस्टम है बोरिंग भी है, ऐसी तैसी कराने सारे सारे पे तो रुका रहा है, मेरे को नहीं पता कुछ मर्जी कर, तो वही ये थी हमारी 10th से लेके अब तक की जर्नी, हम लोग कैसे मिले क्या क्या किया हमने क्या क्या खेले, और अभी तो आधी बात ऐसे में याद ही नहीं है इस टाइम, कुछ ना कुछ याद आती रही, बारिश के टाइम में ज्यादा तुम घूम लेते थे गिल्ली और जाते थे, वो तो 10th में था बारिश में घूम रहे थे नॉर्मल किया ये चीज है, बट ये था हमारे पास एक ही जहाज होता है उसमें भी पा देते थे पहले टाइम पे बाइक उसमें घुमा करते थे एक्टिवा पे, 11th में पहले 11th से अब तक बाइक पे घूम रहे हैं, 6 साल हो गए मेरी बाइक को, अब तक चल रहा मेरे को और लगता है 6 साल हो गए उसमें मतलब इतना भी बड़ी है, तो भाई लास्टली हम लोग थैंक्स कहना चाहेंगे अपने लोकेशन पार्टनर को पिज्जा स्टोरी को, जिसने हमें मतलब जगह पे भी शूट करने के लिए चलो भाई इसको यहीं पे एंड करते हैं स्टोरी टाइम को।